हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार को रोको, नरेगा को मत रोको। अगर ऐप ने झूठ बोल दिया तो आप मान लो कि झूठ सच है सब कुछ, तो ये भ्रष्टाचार बढ़ा के घटा, बताओ आप ही बताओ बढ़ा के घटा। किसी गरीब मजदूर अगर सुबह से टिफिन लेके जाता है दूर दराज से इलाके से 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर पे, तो वो हताश होकर के शाम को वापस आता है। 10 दिन काम करती है और 7 दिन का पेमेंट मिलता है उनको, तो उसको हाजिरी नहीं मिली उसका पूरा दिन। तो ये तो एक सरकार ने बंधुआ मजदूरी चालू कर देने, बंधुआ मजदूर हो गया हो तो नरेगा में जाने का मतलब क्या रहता है? घर वाले भी लड़ाई करते हैं, बैठ के वापस जाते हैं, दूसरे दिन भी जाते हैं तो भी साइड नहीं खुलती है, तो हम परेशान है सब। आधा पैसे उनको देते हैं मजदूरों को और आधा खुद खाते हैं। मोदी जी ने जीते थे उसी समय कहा था कि नरेगा पिछली सरकार का फेलियर है, क्योंकि आपने 60-65 साल में केवल खड्डा खोदना सिखाया और उसी खड्डा खोदने की मजदूरी ने लोगों का जीवन दान कोविड के समय बचाया। आज नरेगा मोदी जी के टाइम में नहीं आई, नरेगा आई मनमोहन सिंह के टाइम में आई, लेकिन मोदी जी ने कहा था कि ये नरेगा बकवास है और उस बकवास को बकवास साबित करने के लिए उन्होंने तरह तरह के तरीके निकाले कि किस तरह से नरेगा में रोक सकते हैं, किस तरह से नरेगा को कमज़ोर करें। तो उन्होंने कहा कि नरेगा में भ्रष्टाचार है, हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार को रोको, नरेगा को मत रोको। उनका नरेगा में बहुत भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार बंद करो ना उसको, भ्रष्टाचार रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, नरेगा को बंद क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने सोचा नरेगा को बंद करने का तरीका क्या निकाले, इतना मुश्किल कर दो कि लोग नरेगा को ले नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि एक तो हम मोबाइल से ऐप से फोटो खींचेंगे, राजस्थान से आए हम लोग, कई जगह नेटवर्क नहीं है, तो फोटो नहीं आया तो उस दिन का काम आपको नहीं मिलेगा, उस दिन की हाजिरी आपको नहीं मिलेगी, काम करके भी मजदूरी नहीं मिलेगी, आपका फोटो खींचा फोटो नहीं आया। हम कह रहे हैं कि ऑफलाइन सिस्टम भी चालू रखो, चलो आपने फोटो खींच दिया, जिनका नहीं आया उनके ऑफलाइन से हाजिरी भरो, उस हाजिरी को भी मानो। तो आपका सारा सिस्टम आप केवल इस पर छोड़ दोगे कि ये ऑफलाइन सब कुछ ऑनलाइन होगा, हम ऑनलाइन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जहाँ तकलीफ है उस तकलीफ को समझने की कोशिश करो। आप कह रहे हो ये होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, नरेगा नेटवर्क नहीं आने से हाजिरी नहीं मिलती है। एक तो ये कि हम वो इसका NMMS एक ऐप है, हाँ उस ऐप को हम कह रहे हैं कि ये ऐप नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों इसलिए नहीं होना चाहिए, आप ऐप के भरोसे चलते हो ना, अगर ऐप ने झूठ बोल दिया तो आप मान लो कि झूठ सच है सब कुछ, जो ऐप है वही कहेगा, ऐप के सामने लोग खड़े होंगे हाजिरी भरेंगे, ऐप नहीं समझता ये कौन है, गीता है कि राधा है केली है, वो फर्जी नहीं कर सकता ना, फर्जी बड़ा और ज़्यादा बढ़ता है ना, ऐप पे भयंकर फर्जी बड़ा फर्जी बड़ा हो गया। कुछ महिलाएं भी हैं, हाँ हाँ बोलिए। एक दूसरा ये है सर कि एक बार आप ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन हाजिरी भर दी, उसके बाद कोई भी चेक करने के लिए आएगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो फर्जी बड़ा ज़्यादा हुआ कम, बस चाहे हाजिरी भरो घर चले जाओ कुछ भी करो। अगर ऑफलाइन हाजिरी होगी तो उस हाजिरी को काट सकेगा, उसके लाइन फेर सकेगा, उसमें कुछ कर भी नहीं सकता। सुबह हाजिरी भरी आदमी घर चला गया तो कुछ नहीं कर पाएगा, ऑनलाइन हो गया उसका, चाहे कलेक्टर भी आके हाजिरी नहीं काट सकता, तो ये भ्रष्टाचार बढ़ा के घटा, बताओ आप ही बताओ बढ़ा के घटा। क्योंकि वो ऑनलाइन पे है हाजिरी, तो ऑनलाइन पे है तो उसी को मतलब वो काट भी नहीं सकता है, ऑफलाइन में जब थी तो उसमें लाइन भी खींच सकते थे। और अब किसी गरीब मजदूर अगर सुबह से टिफिन लेके जाता है दूर दराज से इलाके से 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर पे, तो वो हताश होकर के शाम को वापस आता है। जब 13 दिन की ऐप से हाजिरी भरते हैं, बताते 13 दिन तक काम करते हैं और 3 दिन आते हैं उसमें ऐप में, यार तो फिर बड़े विचित्र बात है सर, है ना। तो 10 लोगों की हाजिरी भरी जाती है और उसमें 7 की पेमेंट मिलता है, 10 दिन काम करती है और 7 दिन का पेमेंट मिलता है उनको। दिन की पेमेंट क्यों नहीं देते? वो अंगूठा नहीं लगता है उनका कनेक्टिविटी से। अच्छा ओके, हाँ ऐप से बहुत प्रॉब्लम है। और एक दूसरी समस्या, मेरी बात सुनो, दूसरी बात ये कि जिस दिन अगर मजदूर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के गया और उसकी हाजिरी नहीं हुई तो वो कहेगा आप घर जाओ, तो फिर वो बेचारा का पूरा दिन खत्म हो गया ना, क्या करेगा वो? 5 किलोमीटर जाएगा और 5 किलोमीटर पे 10 किलोमीटर में तो वो तो पूरा दिन गया, तो उसको हाजिरी नहीं मिली उसका पूरा दिन। तो ये तो एक सरकार ने बंधुआ मजदूरी चालू कर देने, बंधुआ मजदूर हो गया हो तो, ये तो सर ये सख्त खराब चीज़ है, हम इसके सख्त खिलाफ है। हाजिरी भरो और ऑफलाइन हाजिरी भरो और सिस्टम निकालो, भ्रष्टाचार का ये कोई सिस्टम नहीं है।
हम उसकी तरफ से अलग अलग राज्यों से तो सर हम 10 दिन काम करते हैं तो 5 दिन की हाजिरी लगती है, तो नरेगा में जाने का मतलब क्या रहता है? घर वाले भी लड़ाई करते हैं। सर कंप्लेन किसको करेंगे? कंप्लेन किसको करेंगे? सचिव को करेंगे, वीडियो साहब को करेंगे, अधिकारी को करेंगे, वो भी नहीं करते हैं, वो तो आधे करने बोल के सही है। किसको कंप्लेन करेंगे? कहाँ जाएंगे, किसको करेंगे कंप्लेन? हम वीडियो साहब को करते हैं, वीडियो साहब को करते हैं, अधिकारी को करते हैं, कलेक्टर को करते हैं, 181 में हम दर्ज कराते हैं तो भी हमें कोई कार्रवाई नहीं। आधे मौके पर बोले गए झूठ भाई, बोले ये तो केंद्र का माहौल, हम क्या करेंगे? सर दिन भर बैठे रहते हैं, मजदूर साहब के साइट नहीं खुलती है, नेटवर्क के साइट नहीं खुलती है, बैठ के वापस जाते हैं, दूसरे दिन भी जाते हैं तो भी साइट नहीं खुलती है, तो हम परेशान हैं सब। इसे साइट खुलती नहीं है ना, हमारे फोटो जाते नहीं तो ऐप से ऑनलाइन नहीं हुआ। आज का आपको फोटो में हाजिरी नहीं भरी तो फोटो ऑनलाइन नहीं जाएगा तो हाजिरी नहीं भरी यू करके दिन काट देते, तो हमारे तो घर में भी रोटी रोजी टूटती है, घर का काम भी बिगाड़ते हैं और नरेगा में भी हाजिरी नहीं भरती है, तो हमारे तो इधर से नुकसान ही हो रही है। तो नरेगा बन अपने काम किया ना। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात ये है कि जो मैट होते हैं वो ले लेते हैं जॉब कार्ड, और आधा पैसे उनको देते हैं मजदूरों को और आधा खुद खाते हैं। इसका भी कोई वो सिस्टम बनना चाहिए, ये गलत तरीके से और पैसा खा रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं देते हैं, आधा पैसा देते हैं और आधे न वो खाते हैं, तो इसमें फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये फर्जीवाड़ा कम करने के लिए भी कोई वो होना चाहिए कानून। आप कहाँ से हैं? राजस्थान से। आपके साथ भी सेम परेशानी है? हाँ यही परेशानी है। अच्छा कितने दिन हो गए आप लोगों को यहाँ पर धरना देते हैं? 34वां दिन है सर यहाँ पे। सर कोई आया आप लोगों की पुकार सुनने? अभी कोई नहीं आया, 34वां दिन है आज। लेकर गए सरकार के? नहीं कोई नहीं गया। नहीं वो तो 34 हम अलग अलग राज्य से आ रहे हैं, लोग गए भी है मंत्रियों के पास और वहाँ अपनी अपील भी दी है, मगर अभी सुनाई कोई नहीं हुई है। आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, 10 बजे चालू होता है, 4 बजे पुलिस वाले कहते जाओ घर। पहले इसी धरने की जगह पे हम यहीं रहते थे, रात भी यहीं रहते थे। आजकल धरना देना बहुत कठिन काम है, हम दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, हम राजस्थान से आए, तो रोज़ हमें कहीं जाके रुकना पड़ता है, वहाँ से हमें आना पड़ता है। आश्वासन क्या है? सरकार तो सुन ही नहीं रही है ना, सरकार को क्या है? सरकार तो संसद में भी आवाज उठ चुकी है। हाँ उठ चुकी है, लेकिन आप करो क्या? उनको तो इतना पावर में घमंड है ना, उनको इतना पावर में जीते हुए हैं तो परवाह नहीं करते, और उनकी इच्छा नहीं नरेगा चलाने की। बजट बहुत कम कर दिया, 60,000 करोड़ रखा है, वो कहते हैं कि डिमांड आधारित कार्यक्रम है, हम बढ़ा देंगे बाद में, तो पहले से ही आपने गुजरी को छोटी कर दी, तो उसमें पाँव तो बाहर निकलेंगे ना। हम कह रहे पर्याप्त बजट भी दो और नरेगा को ढंग से चलाओ। हम कह रहे हैं कि आप मान लो आपने फोटो खींचने का सिस्टम बना दिया, ऑफलाइन भी चालू रखो ना, अब ऑफलाइन ठीक ही नहीं कर सकते आप। वो तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार उल्टा बढ़ रहा है ना, आप कौन कर रहा है भ्रष्टाचार को? ये तो ये सरकार ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचार रोकने के चक्कर में उल्टा ज्यादा हो रहा है। आपके मोबाइल में समझ नहीं है मेरा नाम गिरधारी सिंह है या लाल सिंह है। अब मैं ये फोटो खींचा दिया, एक सांपा लगा के और खींच दूंगा, आप कुछ भी, वो तो चार उनको एक चार पांच मूर्ति चाहिए उनको, तो वो फोटो खींच लेंगे, किसी का भी खींच लेंगे, और उससे नहीं चलेगा ना। हम कह रहे हैं कि आप इंसान जो ऑफलाइन हाजिरी हो रही है, आप उस सिस्टम को ख़त्म क्यों कर रहे हो? सब जगह आपका ऐसा ऑनलाइन नहीं चल सकता, चलाओ ऑनलाइन। पर रेलवे में बहुत बढ़िया कर दिया कि आप अपना टिकट करवा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब जगह आप यही करोगे। मेरा अंगूठा नहीं आया मेरी ज़िंदगी गई, मेरा ऐप में हाजिरी नहीं आई तो मैं गया काम से। भैया ऐसा क्यों कर सकते हो, है ना? दोनों ऐप की वजह से है और नरेगा बजट की वजह से भी है। नरेगा में बजट कम है तो वो धीरे धीरे इसको डाउन करेंगे। और हमारे ट्राइबल क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र में तो ये है ही नहीं है, तो हमारे आदिवासी क्षेत्र में तो जो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, तो वहाँ तो वो हाजिरी भरते हैं तो 13 दिन काम पे जाते हैं, ना 7 दिन भरते हैं, किसी के 7 दिन ही होते हैं, और वो पहले तो फोटो खींच लेते हैं, फिर अपलोड करने किसी पार्टी को देखना पड़ता है, ऊपर जाके वहाँ से फोटो अपलोड करते हैं, जब तक वो मजदूरों के फोटो नहीं आएंगे अपलोड नहीं होंगे, जब तक वो मजदूर ऐसे ही बैठे रहते काम भी नहीं कर पाते, ऐसे में आधा दिन तो निकल जाता है, उसके बाद फोटो आने के बाद कितना काम करेंगे। और एक महिला कई बार फोटो खिंचवाती है, घूंघट निकाल के खोस लेती है, ऐसे बहुत सारे इस तरह से फोटो दिए ऐप से, बहुत बार फर्जी बाड़ा हो रहा है ये। एंड में क्या कहना चाहेंगे सरकार? हम बिल्कुल आप बोलिए, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये ऐप को हटाओ और बजट को भी बढ़ाना चाहिए, नरेगा जिंदी रहनी चाहिए बस।